while I'm hard working. I am in a zone where I can't stop in. Hitting in your body, I feel straight to the pin. This is the way I like to work. हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है जान, आपका स्वागत मेरे चैनल पे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना और नीचे कमेंट कर बताना वीडियो कैसी लगे, ठीक है ना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने गेम में अपना केडी रेट कैसे बढ़ाएं, ठीक है ना। तो बहुत ही ईजी ट्रिक बताऊंगा, अगर तुम ना मतलब डायमंड 2 तक अपना बिल्कुल बढ़िया केडी बना सकते हो, और अगर तुम बाद में किल ना भी करो ना तो भी तुम्हारा मतलब 2 तक तो हो जाएगा हीरोइक पर, अगर तुम जाओगे तो भी 2 पॉइंट तक केडी रहेगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो बहुत ईजी ट्रिक बताने वाला, ठीक है। तो तुम्हें देखो, शुरू में तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे मान लो रैंक गिर गए, तुम आ गए गोल्ड पर, तो तुम्हें क्या करना, सोलो खेलना डायमंड 2 तक, ठीक है। डायमंड 2 पर सोलो खेलो, और तुम्हें ना हर गेम में टारगेट रखना 6 किल का। यार गोल्ड में हो गए तो तुम आराम से 6 किल कर लोगे यार, कोई भी कोई बंदा कर लेगा, तो ठीक है ना। तुम्हें क्या करना है, 6 किल या उससे ज़्यादा का किल का टारगेट बनाना है, ठीक है। अगर तुम 6 किल मतलब मानो करते हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कम से कम ना तुम्हारा 5 का केडी हो जाएगा अगर तुम ध्यान दोगे तो। मान लो अगर तुम 6 किल का टारगेट बना रहे हो तो 10 गेम में तुम्हारे 60 किल हो जाएंगे, ठीक है। तो तुम आराम से तुम्हारा 5 के ऊपर केडी हो जाएगा यार, बिल्कुल आराम से 5 के ऊपर केडी हो जाएगा तुम्हारा। और बाद में डायमंड के 2 पे अगर तुम जाओ, मान लो डायमंड 2 पे, उसके बाद तुम स्क्वाड खेलना स्टार्ट कर दो। स्क्वाड में अगर तुम ऐसी स्क्वाड उसी से खेलना जो तुम्हारा परमानेंट स्क्वाड हो, जो तुम बढ़िया तुम्हारे साथ जो है खेलता हो, ठीक है ना। तो उसका खेलने के बाद तुम्हें क्या करना है कि अगर तुम अच्छा अपना किल का भी ध्यान रखना, और थोड़ी कैंपिंग तो करते ही हो तुम, मुझे पता है, ठीक है ना। क्योंकि डायमंड 2 में तुम हीरो पे जाना तो कैंपिंग तो करोगे, तो कभी कभी कैंपिंग में किल नहीं मिलते, ठीक है ना। तो तुम अगर मतलब कभी किल ना मिले तो भी तुम्हारा केडी जो है गिरता गिरता 2 तक तो आ जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा केडी बहुत कम नहीं होगा, अच्छा रहेगा, 2 तक आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे मैं भी अपना केडी बढ़ाता हूँ, पहले मैं अपना केडी बिल्कुल कर लेता हूँ। पहले जो आपने देखा मेरा केडी 7 पॉइंट के ऊपर था, ठीक है, बाद में मेरा केडी 2.5 के मतलब इतना आ गया, फिर बाद में उसको फिर बढ़ाया 2.50 या 2.40 हो गया। तो ऐसे ही मैं अपना केडी रखता हूँ, ठीक है ना। तो तुम्हें भी ऐसे ही करना है, ठीक है ना। तो यार मतलब बिल्कुल ध्यान से रखना है। और अगर अगली देखो, अगर तुम मान लो रैंक खेल रहे हो, ठीक है ना, रैंक खेल रहे हो तो तुम थोड़ी कैंपिंग कर लो बाद में, लेकिन किल जो है किल का ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर तुम्हें किल मिल रहा है तो भागना नहीं है, वहाँ से किल ज़रूर ले लेना, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही खेलना, ठीक है। तो इतनी वीडियो थी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बाय। Close till I get up. Time is barely on our side.